इसका आंसर साइली देगी क्योंकि आज इसने ट्रैवल किया है. सो प्लीज स्टार्ट. एसी विद स्लीप. व्हाट? हां दिस इज थर्ड एसी. थर्ड एसी. हां सो दिस इज व्हाट आई हम लोग अभिषेक अटकन से. अरे अनिरुद्ध को परमिशन मिला कि नहीं डिस्का आदित्य कृष्णन से फेवरेट लोको अदर देन पुणे WDP 4D. सो लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. सो दिस इज अ न्यू व्लॉग और ये Q&A सेशन होने वाला है और हम लोग अभी पुणे से वापस मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं एंड वी आर इन कोयना एक्सप्रेस. सो अभी हम लोग अभी ट्रेन खंडाला तक पहुँच चुकी है. पहले आप इस ट्रेन का अराइवल देख लो पुणे जंक्शन पे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स और Q&A सेशन. गाइज अभी हमारी ट्रेन खंडाला स्टेशन पे टेक्निकल हॉल्ट के लिए रुकी है और अभी हम लोग इवनिंग स्नैक्स कर रहे हैं. सब घर से लेके आए थे. दिस इज अ रियल ब्रूट और ये चाय एंड दिस इज नमकीन. और साइली मैम फोन में बिजी है. और खंडाला पे टेक्निकल हॉल्ट पे हमारी ट्रेन रुकी है. बेस को फटाक से ख़त्म करते हैं एंड Q&A सेशन को स्टार्ट करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, अभी इवनिंग स्नैक्स आपके हो गया. जैसा कि मैंने आपको बोला था ये Q&A सेशन का एक वीडियो होने वाला है. सो हम लोग Q&A सेशन शूट करने वाले हैं और साइली Q&A सेशन की होस्ट है. सो हम लोग ने सब्सक्राइबर से ही कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और हम लोग ने उसमें से शॉर्टलिस्ट किए. राइट, कितने क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए ऑल ओवर? ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए. सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, जस्ट अ रियल फैन से क्वेश्चन है. व्हाट इज योर एज एंड व्हाट इज योर फ्यूचर ड्रीम? सो किसने पूछा है, नाम क्या उनका? जस्ट अ रियल फैन. जस्ट अ रियल फैन. माय एज इज 24 और फ्यूचर ड्रीम इज कि मैं फार्मेसी कर रहा हूँ. सो टू बी अ सक्सेसफुल फार्मासिस्ट एक खुद का मेडिकल शॉप होना चाहिए और यूट्यूब का एक अच्छा कॉन्टेंट क्रिएटर बनना है. हम लोग का एक छोटा सा फूड बिजनेस है, उसको भी एक साइड बिजनेस लेके ऊपर जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम कुमार 256 से, एडिटिंग कैसे करें? शुभम भाई, ये तो आप मुझसे भी बेहतर जानते हो. एडिटिंग तो वंडरशेयर फिल्म हो रहा से मैं करता हूँ. आपको तो पता ही है, आप सही सब एडिटिंग सीख के आ रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है एस नार्वेकर से. शिवानी, हाउ हैज यूट्यूब चेंज योर लाइफ? सो शिवानी, यूट्यूब हैज चेंज माई लाइफ. लाइक यूट्यूब के वजह से मुझे बहुत लाइफ में कॉन्फिडेंस गेन हुआ है और एक ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ. बिफोर यूट्यूब पहले ऐसा लगता था कुछ करने को नहीं है, जॉब नहीं है, खाली स्टूडेंट हूँ. लाइक यूट्यूब से फिलहाल इतना कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा है, बट यूट्यूब के वजह से एक कॉन्फिडेंस गेन हुआ. ब्लॉगिंग करते करते पब्लिक में कैसी बात की जाए वो पता चला और यूट्यूब के वजह से काफ़ी फ्रेंड्स बने. सत्य भाई, संदीप भाई, अनिरुद्ध, शुभम भाई और ऐसे बहुत कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सिर्फ मुझे यूट्यूब के वजह से मिले और सभी काफ़ी अच्छे लोग हैं. और यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस वीडियो में वो छोटा हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य कृष्णन से फेवरेट लोको अदर देन पुणे WDP 4D? ओके, फेवरेट लोको अदर देन पुणे WDP 4D इज इलेक्ट्रिक में मेरा फेवरेट लोकोमोटिव है वडोदरा का अमूल WF5 और कल्याण WCM3. नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षदा 1008 से, वेयर आर यू ट्रैवलिंग नेक्स्ट? हर्षदा, वेयर आर यू ट्रैवलिंग नेक्स्ट? राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग ओनली. अभी हम लोग पुणे गए थे सुबह और अभी पुणे से कुछ काम था, गणपति का दर्शन वगैरह लेके अभी हम लोग पुणे से वापस मुंबई जा रहे हैं. सो दिस वॉज द नेक्स्ट ट्रैवलिंग ट्रिप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मी बनमस्का, इज यूट्यूब अ ग्रोइंग करियर? यूट्यूब इज अ ग्रोइंग करियर, बट इनिशियली आप इसको एक हॉबी लेके ही चलो क्योंकि फिर
डायरेक्टली इसको फुल टाइम जॉब मत करो, आप जो कर रहे हो उसको पहले क्लियर करो और यूट्यूब को साइड बिजनेस लेके ही चलो। फिर जैसे आपको सक्सेस मिलेगा उसको धीरे धीरे फुल टाइम भी कोई आपका हो जाएगा, बट इनिशियली उसको एक हॉबी लेके ही चलो। ओके, विच इज योर फेवरेट राजधानी एक्सप्रेस? 1M_Shreya. माय फेवरेट राजधानी एक्सप्रेस इज तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन, दैट इज TBC राजधानी एक्सप्रेस, और वो लॉन्गेस्ट राजधानी एक्सप्रेस है इंडियन रेलवेज की। मैंने उसमें ट्रैवल किया है, और वो क्यों है क्योंकि कंप्लीट 2.5 दिन में ट्रेन में था, तो इवनिंग स्नैक ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब उसमें एक्सपीरियंस मिला, और कोंकण रेलवे और डीजल प्लस इलेक्ट्रिक एक्शन मिला। Mitesh Dura pe question hai, tell us about all your friends and how did you guys meet? मितेश दुरापिन ने बहुत अच्छा कमेंट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मितेश से ही स्टार्ट करता हूँ। मितेश इज माई चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड से हम लोग फ्रेंड्स हैं, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब के वीडियो में आते हैं मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं। अभी मितेश ने स्टार्ट किया तो मेरे बिल्डिंग के फ्रेंड्स से मैं स्टार्ट करता हूँ। मितेश, सिद्धेश, स्मित, शिरू, संजना, गौरी, साहिल, स्वप्नल, जितने भी मेरे ये फ्रेंड्स हैं मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। और दूसरे ये सैली और शिवानी, ये भी दोनों मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे यूट्यूब में भी बहुत हेल्प किया। और स्पेशली सायरी ने भी मुझे यूट्यूब के इसमें बहुत बात बोला है कि थंबनेल ऐसा निकालो, ये ब्लॉग का शॉट ऐसा लो, इसके फोटोज ऐसे लो। सामने बैठे इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, इसने मुझे यूट्यूब में बहुत हेल्प किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और स्टडीज़ में वगैरह भी शिवानी और सायरी मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। एंड मितेश, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू टू हैव कमेंट किया। जमशेदपुर अभी कुछ प्लान नहीं है, लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे सब ट्रेन चालू हो जाएंगे जमशेदपुर जरूर आएंगे। गीक स्लाइडर से व्हिच इज प्रेफर्ड, एसी और स्लीपर? आई एम कंफ्यूज्ड। इसका आंसर सायली देगी क्योंकि आज इसने ट्रैवल किया है, सो प्लीज स्टार्ट। एसी विद स्लीप, व्हाट? हां, दिस इज थर्ड एसी। हां, सो दिस इज हम लोग अपनी साइड पर आप देख सकते हो, मस्त पैर फैला के हम लोग बैठ सकते हैं। और एसी के कोचेस होते हैं COVID-19 के सीनारियों में ज़्यादा सैनिटाइज होते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है। स्लीपर में रिस्क नहीं लेना चाहते हो क्योंकि स्लीपर में लोग इधर उधर उठते हैं, कचरा वगैरह फैलाते हैं। रेलवे अपनी तरफ से सैनिटाइजेशन बहुत कर रहा है, बट पब्लिक ने भी वो फॉलो करना चाहिए, अपना पूछते सीखा। कोंकण का मिली ओके सर, विच विल बी योर अपकमिंग ट्रेन जर्नी एंड हाउ मेनी ट्रेन्स हैव बीन स्टार्टेड येट? सो कोंकण सा मिहिर, दिस इज माई अपकमिंग ट्रेन जर्नी। मैंने सुबह इंद्रायणी एक्सप्रेस में पूना गया था, अभी कोयना एक्सप्रेस से मैं वापस मुंबई जा रहा हूँ, और दिसंबर में मैं वापस जर्नी करने वाला हूँ सत्या भाई के साथ, अनिरुद्ध भाई के साथ। और बहुत कुछ प्लान है, उसका अपडेट आपको मैं ज़रूर दूंगा। और आप देख सकते हो मैं अभी फिलहाल थोड़े से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कोयना एक्सप्रेस से, और मेरे ट्रेन को WDP 40 ट्विंस लग रहे हैं। अनिरुद्ध को परमिशन नहीं मिला क्योंकि अनिरुद्ध के लिए मैं दिल्ली पे भी रुकी हुए, सो अनिरुद्ध जल्दी परमिशन निकालो, हमें स्वर्ण जयंती राजधानी और आश्रम एक्सप्रेस मारनी है। रुपेश, तू माझ्या बर्थडेला आलेला असते, आम्ही तुला 2 पिझ्झा दिला, बट नेव्हर माइंड, आपण पुन्हा भेटणार, पुन्हा पिझ्झा खाऊ, भावना पोचल्याची कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सिद्धेश शिंदे, यू हैव बीन टू ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, सो विच वाज योर फेवरेट लोकेशन? ओह, वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं इंडिया में इतने जगह पे गया हूँ, बट माय फेवरेट लोकेशन वाज मनाली, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ का जो फूड था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सेकेंड प्लेस इज रामेश्वरम पाम्बन ब्रिज, जो मैं दिसंबर में सत्या भाई के साथ किया था, बेस्ट प्लेस। ओके, सो ऐसा कैसा शॉर्ट Q&A सेशन मैंने और सायली ने शूट किया था, सो सायली थैंक यू सो मच, थैंक यू। COVID-19 चल रहा है और राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग इन कोयना एक्सप्रेस, और आप देख सकते हो EMA क्रॉस हो रही है, और कोयना एक्सप्रेस काफ़ी अच्छी ट्रेन। आपको क्लीननेस कैसा लगा आपका ट्रेन का, ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। और सुबह इंद्रायणी का कैसा था? अमेजिंग, क्योंकि वो ट्रेन जस्ट मुंबई से निकली थी, प्रॉपर सैनिटाइज थी, और ये ट्रेन कोल्हापुर से निकली है, फिर भी हम लोग ने सर्वलॉन का डिसइंफेक्टेंट कैरी किया है। ऐसे लुक्स मत लो, और अभी इवनिंग स्नैक चल रहा है, ऐसे छोटे मोटे चीज़ें हम लोगों ने घर से कैरी किए, सो आप भी कभी ट्रैवल करोगे COVID-19 में, सो ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी स्नैक्स आइटम रहेगा घर से कैरी किया करो। और हमारे ट्रेन को जैसा कि मैंने बोला था कल्याण के WDP 40 ट्विंस लगे, और एक्सेलरेशन भी बहुत कमाल का है,
वीडियो को इतना ही रखते हैं. सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. व्हाट यू वांट टू से, इफ यू वांट टू आस्क मोर क्वेश्चन कमेंट. और आपको मोर क्वेश्चन चाहिए, कमेंट रिएक्शन वीडियो चाहिए, तो जरूर कमेंट करना. हम उसको पिक करके और एक वीडियो बनाएंगे. सो दैट्स इट.